plate tectonics and continental drift. Continental drift, mountain formation, earthquakes और volcanoes जैसी कई घटनाओं को plate tectonics theory से आसानी से समझा जा सकता है। हमारे video structure of the earth में आपने देखा कि earth की solid crust hot rocks के mantle यानी आवरण के ऊपर पाई जाती है। solid होने के बाद भी hot rocks earth की core में glacier की बर्फ की तरह बहती हैं। hot rocks का इस तरह का movement convection currents के कारण होता है। earth surface के पास का cool mantle dense होने के कारण आयरन कोर की तरफ सिंक करता है और लेस डेंस हॉट मेंटल अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है। अर्थ की क्रस्ट इन स्लो मूविंग कन्वेक्शन करंट्स के कारण खिसकती रहती है। अर्थ में बहुत सी कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं, जो इसे कई प्लेट्स में डिवाइड करती हैं। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखने को मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लेट्स का शेप और कॉन्टिनेंट्स का शेप एक जैसा नहीं है। कॉन्टिनेंट्स की रॉक्स ओशन क्रस्ट की रॉक्स से हल्की होने के कारण ये प्लेट्स पे आसानी से मूव करते रहते हैं। दो प्लेट्स की बाउंड्री पे जहाँ कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की ओर इस तरह मूव करती हैं, वहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे मैग्मा यानी मोल्टन रॉक्स का इरप्शन होता है। ये मैग्मा दोनों प्लेट्स के बीच बनने वाले गैप को भरता है, जिससे इग्नीशियस रॉक बेसाल्ट की नई ओशनिक क्रस्ट बनती है। इस ओशनिक क्रस्ट को डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। करीब 10 करोड़ साल पहले अर्थ पे जब डायनासोर्स का राज था, तब यूरोप और अमेरिका जुड़े हुए थे। उस टाइम पे अटलांटिक ओशन भी नहीं था। कन्वेक्शन करंट्स ने धीरे धीरे इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया। कॉन्टिनेंट्स के अलग होने से रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी का निर्माण हुआ। इसमें सी वाटर भरने से नए अटलांटिक ओशन का जन्म हुआ। आज भी अटलांटिक ओशन का एक्सपेंशन हो रहा है। ओशन के बीच में अनयूजुअल अंडर वाटर वॉल्केनोज बनते हैं। इन वॉल्केनोज को ब्लैक स्मोकर्स कहते हैं। लॉजिकली अगर कहीं पे ओशन का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका किसी दूसरी जगह पर कंप्रेशन यानी संकुचन भी होना चाहिए। जहाँ पे ओशन का कंप्रेशन होता है, वहाँ दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। प्लेट्स की बाउंड्रीज को कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। कॉन्टिनेंटल रॉक्स के इरोजन से ओशन की फ्लोर पे सेडिमेंट्स बनते हैं। ओशन क्रस्ट का सबडक्शन होता है, यानी ये नीचे की तरफ मूव करता रहता है। ओशन क्रस्ट के साथ सेडिमेंट्स का भी सबडक्शन होता है। नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होने से सेडिमेंट्स पिघल जाते हैं। मेल्टेड सेडिमेंट्स की डेंसिटी ओशन क्रस्ट की बेसाल्ट रॉक्स से कम होने के कारण ये ऊपर की ओर पुश किए जाते हैं, जो हमें वॉल्केनोज के रूप में नजर आते हैं। कई बार प्लेट्स के बीच रिलेटिव मूवमेंट होता है। प्लेट्स के बीच होने वाले इस रिलेटिव मूवमेंट को ट्रांसफर बाउंड्री कहते हैं। ट्रांसफर बाउंड्री फिनोमेनन कैलिफोर्निया के सेंट एंड्रियास फॉल्ट में देखने को मिलता है। प्लेट्स के बीच रिलेटिव मूवमेंट होने से अर्थक्वेक्स के तेज झटके आते हैं। अगर प्लेट्स इस तरह मूव करती रहीं, तो करीब 2 करोड़ साल बाद लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को के पैरेलल में आ जाएगा। कई बार मेंटल की सिंगल कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ मूव करती हैं, जिससे हॉट स्पॉट बनते हैं। जब प्लेट्स इन हॉट स्पॉट के ऊपर से निकलती हैं, तो आइलैंड्स बनते हैं। इस तरह का फिनोमेनन हवाई में देखने को मिलता है। धीरे धीरे पुराने आइलैंड्स का इरोजन होता है, जिससे ये ओशन में डिसअपियर हो जाते हैं। ओशनिक क्रस्ट मिड ओशनिक रिजेस में लगातार बनती रहती है और ओशनिक बाउंड्रीज पे डिसिपेट यानी नष्ट होती रहती है। इसलिए ये कभी भी 10 करोड़ सालों से ज्यादा पुरानी नहीं होती। हालांकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 450 करोड़ साल पहले अर्थ फॉर्मेशन के बाद से ही टूट के एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। 25 करोड़ साल पहले की अर्थ की हिस्ट्री पे अगर हम नजर डालें, तो सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जुड़े हुए इन कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया कहते हैं। प्लेट्स के मूवमेंट के कारण सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टूट के अलग हो गए। ये घटना करीब 6.5 करोड़ साल पहले की है, जब डायनासोर्स विलुप्त हुए थे। प्लेट्स के अलग होने से अटलांटिक ओशन और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जिससे अर्थ को आज हम इस रूप में देख पा रहे हैं।